मैं तहसीन पूरा वाला का रुख कराऊं, तहसीन पूरा वाला कांग्रेस का माल चाइनीज है। अमीश जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा था, मैं अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अभी व्हाट्सएप कर रहा था कि आप चाइनीज माल हो जी। एक अनिल एंटनी को भी मैं व्हाट्सएप करूंगा अभी आपके शो के बाद, वो भी चाइनीज माल है। सी आर केशवन, वो भी चाइनीज माल है। आरपीएन सिंह, वो भी चाइनीज माल है। जितिन प्रसाद है, वो भी चाइनीज। हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी चाइनीज माल। सारे बिके हुए लोग है। ये जो गौरव जी की हनी है उसके मनी के पीछे आते। अब क्या बोले, कोई तर्क हो तो कर। अमी जी, आपका वायकॉम जो आपके पेरेंट ग्रुप का एक वो है सब्सिडरी, वायकॉम का एक प्रेजेंटेशन है बिग बॉसेस में, कैरेक्टर है ओरी। वो ओरी को पूछते आप करते क्या हो ना, वो बोलता है मैं सेल्फी लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भारतीय पॉलिटिक्स की ओरी है भाई, अपने तर्कों पे कुछ बोलना नहीं। कांग्रेस ऐसा है, हम एडिटिंग करेंगे, हम सेल्फी करेंगे, हम वीडियो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम फलाना करेंगे, धमकाना। भैया 9 साल में आप सरकार में थे, आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया, आगे क्या करना चाहते हो, उस पर बात करो। नहीं नहीं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप बिके हुए, आप चाइनीज मालूम नहीं कोई मतलब हुए। अच्छा, एक लास्ट चीज, चाइना से ये आपने एक वायकॉम 18 का बिग बॉस का जिक्र किया। अब बिग बॉस एक बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है, लेकिन ये और ही कौन है, मतलब इसको आपने बोला बीजेपी, बीजेपी पॉलिटिक्स की हो रही है, और ही है कौन, वही थी भारतीय जनता पार्टी भारतीय पॉलिटिक्स की हो रही है। हमसे कुछ भी सवाल पूछो ना, मैं हम पे काम कर रहे हैं, हम सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, आईटी सेल में हम नेट कर रहे हैं। भैया आपने क्या काम कर उसमें बोलो ना, बाकी सारी फलाना दिमकाना सारी चीजों पे क्यों बोल रहे हो, वो तो कम से कम एंटरटेनमेंट में। गौरव 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 भाटिया एक, हाँ ठीक है, गौरव एक गौरव भाटिया रिप्लाई करना चाहते हैं। अब पता नहीं गौरव वारी को जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे नहीं पता। नहीं ये देखिए, पहली बात तो तहसीन, जब बात करते हैं कैरेक्टर की, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, भारतीय राजनीति का जो कार्टून कैरेक्टर है वो तो कांग्रेस पार्टी में ही है। खूब मजा आता है जब चुनाव आते हैं, अमित जी इधर उधर जा जाके जो वक्तव्य देता है, मतलब वो हमने देखे हैं। तो भारतीय राजनीति का कैरेक्टर कौन है ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ अपने साथी को, दोस्त को, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिया, हेमंत जी का नाम लिया, मैं आपको बताऊं दुख कब होता है। आप सोचिए, हेमंत जी को आप बुलाते हैं अपने घर और पिद्दी को प्लेट में बिस्किट डाल के खिलाते हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता बिकाऊ भी हैं और साथ में कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है उनको अमीर जी, कि कोई अपने घर बुलाए और आपसे ना पूछे कि बिस्किट खाएंगे, और आप जो है कुत्ते को बिस्किट खिलाए। अब तहसीन भाई, आप तो घर नहीं जाते होंगे राहुल गांधी के, और कुत्ते की प्लेट से बिस्किट कैसे आप खाएंगे, आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में अगर रहना है तो आपको अपनी इज्जत को टाटा गुड बाय कहना होगा। और मैंने एक सवाल और बोला, आप ये बताओ तहसीन भाई, आप तो देशभक्त हो ना, अगर एक करार चीन की पार्टी के साथ पार्टी टू पार्टी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब किया, देश जानना चाहता है वो सार्वजनिक करो, क्यों नहीं करें, ये सही है गलत, आप करार करो, हम प्रश्न पूछ ले तो आपको बुरा लग जाता है। मुझे बिल्कुल कोई बात का बुरा नहीं लगता है। बात ये है कि कांग्रेस ने एमओयू किया, नहीं, आज तक वो सार्वजनिक, राहुल गांधी, अरे मेरे भाई आपको क्यों लगेगा, मुझे किसी, हाँ, बट आप एमओयू सार्वजनिक करने का आप कानूनी प्रक्रिया शुरू करो, लेकिन उसी कानूनी प्रक्रिया के साथ अमित जी को एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि रशिया से जो तेल खरीद रहे उसको चाइनीज करेंसी में आप उसका दाम क्यों चुका रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने एमओयू किया, इसलिए आप चाइनीज करेंसी में एक हॉस्टाइल मुल्क के पैसे के करेंसी से आप एक दोस्त देश को का पेट्रोल के दाम चुका रहे हो, क्यों चाइनीज करेंसी में, आज तक किसी ने ये काम किया है? राहुल गांधी ने गलत काम किया आपके हिसाब से, तो आप क्यों $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आपके हिसाब से सही है जी, गौरव भाई आपके हिसाब से सही है कि गलत? जब कांग्रेस की सरकार थी अमित जी, मुझे फैक्ट चेक करना, $36 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, वो आज एक वो $100 बिलियन का हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया, इसलिए $100 बिलियन का हो गया। आप राहुल गांधी ने कोई गलत काम किया आप उस पर कार्रवाई कीजिए, कोई आपको रोका है? अब आप बताइए, मोदी जी और अमित शाह जी, इन दो व्यक्तियों से ज्यादा कोई ताकतवर है? जवाब 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 गौरव भाटिया का जवाब है, गौरव भाटिया लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके यार कांग्रेस के एमएलए सिर्फ बाकी पार्टियों पे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए कांग्रेस ने ले लिए, तो बहुजन समाज पार्टी के एमएलए भी चाइनीज हो गए फिर?
नहीं देखिए अभी जी मैं उत्तर दे दूं। पहली बात तो तहसीन भाई शायद थोड़ा आजकल पढ़ लिख कम रहे हैं, इनको शायद ये नहीं पता कि एक पेट्रोलियम आजकल कंपनी किसी ने ओरी को देख चाइनीज रहे हैं लग रहा करेंसी में पेमेंट किया। है आजकल हाँ मैं ओरी क्यों पे भी आऊंगा, ये ओरी को देख रहे हैं और राहुल गांधी ओरियो के बिस्किट खा रहे हैं पिद्दी को खिलाने के बाद। लेकिन सुनिए क्या है और तहसीन भाई ये आपके लिए है, तथ्यों पे मैं बताता हूं। आपको ये जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने रोक लगा दी, सारी तेल कंपनियां जो हैं कोई भी चाइनीज करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकता। ये भारत सरकार ने ही किया जिसकी रीढ़ की हड्डी है। आपकी तरह नहीं कि जब सलमान खुर्शीद आपकी सरकार में विदेश मंत्री थे और चीनी घुस रहे थे अंदर, तो सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि ये चेहरे पे छोटा सा दाना हो गया है, पिंपल, इट इज अ पिंपल ऑन द चीक। क्या आपको ये जानकारी है? नहीं होगी। और दूसरी बात मैं बताऊं, आज हम लोग बात क्या कर रहे हैं, तेलंगाना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक मैनिफेस्टो दिया वहां पे, माइनॉरिटी के लिए क्या राइट्स होंगे? अरे भैया 83% हिंदुओं के लिए आप कहेंगे हिंदू आतंकवाद, और जो मुसलमान होंगे उनके लिए आप लाएंगे अलग से एक मैनिफेस्टो। जी दूसरी जी बात जवाब जवाब वंशवाद दे के देते खिलाफ बोले, योग्यता को आगे रखा जाएगा। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब भ्रष्टाचार की जननी कौन है? गांधी परिवार। ठीक है, गांधी जवाब जवाब परिवार ने जवाब ही तहसीन का भ्रष्टाचार का जवाब। प्रचलन शुरू किया। तहसीन तहसीन कई इंसिडेंट ऐसे हैं, चाहे वो 2017 का हो, चाहे वो 2016 में तो बीजेपी की कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपने विधायकों से वफादारी का बॉन्ड करवा रही थी, क्यों? नहीं, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। लेकिन अमित जी मैं दो चीज आपको कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी सीरियस है पटना तेलंगाना में बना भ्रष्टाचार के, गौरव अगर मैं अपनी बात रख दूं, तहसीन अगर प्लीज भारतीय देखियो जनता पॉइंट। पार्टी जी अगर भारतीय जनता पार्टी सीरियस है तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वहां पर पिछले 10 साल से मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त केसीआर जी मुख्यमंत्री। लेकिन ईडी ने कांग्रेस के 4 कैंडिडेट्स को पिछले 3 दिनों में समन किया, केसीआर के एक भी कैंडिडेट को समन नहीं किया। ये चीज देखना जरूरी है। दूसरी चीज मैं गौरव भाई से एक ही सवाल पूछते अपनी बात यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। आप बता रहे हो, आप बताओ आप तेलंगाना के लिए क्या करोगे? और एक उदाहरण, जैसे आपने हमारा मैनिफेस्टो को कॉपी किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी किया, आपका 500 रुपए में आप गैस सिलेंडर दोगे तेलंगाना में और राजस्थान में, अच्छी बात है। तो ये बात आप उत्तर प्रदेश में जहां आपकी सरकार है क्यों नहीं दे रहे 500 रुपए में? वहां पे क्या गलती होगी? ठीक है, जवाब 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 क्यों नहीं दे रहे? मैं उत्तर आप दे जो हिपोक्रेसी करते हो। गौरव गौरव 30 सेकंड में से? जवाब, तीस उत्तर सेकंड में में जवाब क्यों नहीं दे रहे 500 रुपए में? बहुजन समाज पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके देखिए तहसीन भाई आपने तो जवाब नहीं दिया, मैं तो ये मैनिफेस्टो लेके बैठा हूँ, लिखा है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, यहाँ हर जगह मुसलमान 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 है, हिंदुओं का तो कोई जिक्र आपने किया नहीं। सुनिए सुनिए मैं आपकी बात का उत्तर दे देता हूँ। आपने कहा 500 रुपए का सिलेंडर जो है आप देंगे जहां चुनाव हो रहे वहां पे, लेकिन आप उत्तर अच्छा। प्रदेश में नहीं दे रहे, यही आपने कहा ना। आप मुझे बताइए, आप याद करिए उत्तर प्रदेश में चुनाव थे अमित जी, प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा एक तिहाई 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे, ये बात क्यों नहीं कहते आप बाकी जगह? उत्तर प्रदेश में तो, आपने कह तो दिया प्रियंका गांधी ने गलत किया तो आप चुनाव करोगे? पंजाब में हुआ क्यों नहीं कहा? नहीं नहीं ये कोई तो बात नहीं हुई इनका, ना इनका हर प्रदेश की अपनी प्रियंका गांधी जरूरतें गलत होती हैं, तो आप गलत उन होते हैं, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम गलत अपना घोषणा पत्र देते हैं। लेकिन मैंने आप ये कोई लॉजिक नहीं हुआ भैया। आप या तो कहिए प्रियंका वाड्रा गांधी जो है वो ढोंग करती है, आप बोल दीजिए लड़की हूं लड़ सकती हूँ, ढोंग था आरक्षण देना ढोंग था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद मैं मान लूंगा। आप कहिए ये बात, आप तो विश्लेषक हैं, आप समर्थक समर्थक हैं, आप प्रवक्ता थोड़ी ना हैं। मान लीजिए प्रियंका वाड्रा गांधी ठकोस